हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज हम यहाँ पे CCXP के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि कॉमिक कॉन, जो कि ब्राजील में आज से यानी कि 1 दिसंबर 2022 से लेके 5 दिसंबर 2022 तक जो है चलने वाला है। और इसमें मार्वल स्टूडियोज का पैनल जो है यहाँ पे 45 मिनट्स की टाइम लिमिट के साथ अपनी प्रेजेंटेशन रखेगा, जहाँ पे 3 बड़ी मूवी और सीरीज के बारे में बताया ये जा रहा है कि हमें ट्रेलर जो है वहाँ पे भी देखने को मिलेगा और कुछ घंटे बाद वो मार्वल एंटरटेनमेंट की यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, जिसका ट्रेलर यहाँ पे लोग हॉलीडे स्पेशल के बाद ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है मार्वल ने उसे रिलीज नहीं किया। तो अब बताया जा रहा है कि CCXP पैनल में भी इसको सबसे पहले दिखाया जाएगा और कुछ घंटे या फिर कुछ मिनट्स के बाद ये मार्वल की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। इसके साथ साथ लोकी का सीजन 2, जो कि हमें मिड ऑफ द 2023 में देखने को मिलेगा, उसका पहला ट्रेलर या फिर टीजर भी आप कह सकते हो कि हमें जो है CCX पैनल में रिलीज होता हुआ नजर आएगा और डिजिटली भी ये रिलीज कराया जाएगा, क्योंकि D23 एक्सपो या फिर कॉमिक कॉन वाला जो टीजर ट्रेलर था वो सिर्फ जो है एक्सक्लूसिवली यहाँ पे उन लोगों को दिखाया गया था, ऑफिशियली उसको रिलीज नहीं किया था मार्वल ने। और साथ ही में फाइनली हमें एंट मैन द वॉस्प का सेकंड और फाइनल ट्रेलर जो है वो रिलीज होता हुआ नजर आएगा अक्रॉस ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग दी CCXP पैनल में भी। लेकिन इसके रिगार्डिंग एक और कैच है कि सीक्रेट इन्वेजन का क्या हमें ट्रेलर देखने को मिलेगा। वेल गाइस, इसके बारे में कोई अपडेट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि जनवरी के आसपास ही हमें ये सीरीज देखने को मिलने वाली है, तो अनलेस यहाँ पे मार्वल ने कोई चेंज नहीं किया तो इसका ट्रेलर भी हमें आता हुआ जरूर से जो है नजर आएगा CCXP में। और फाइनली यहां पे जिस अनाउंसमेंट का लोग बेसब्री से जिनको आए हैं, मतलब तड़प ही कुछ ऐसी है ना फैंस में कि इंतजार नहीं हो रहा है कि स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी कब यहां पे सोनी मार्वल के साथ मिलकर यहां पे अनाउंस करने वाला है, तो इसके रिगार्डिंग मेरे पास आपके लिए यह अपडेट है कि यह भी जो है अनाउंसमेंट शायद से CCXP पैनल में हो सकती है, लेकिन शायद से अब क्या ये सोनी अलग से अनाउंसमेंट करेगा, यानी कि कोई अलग सोनी का पैनल होने वाला या फिर मार्वल स्टूडियोज के साथ ही अनाउंसमेंट होगी, इसके बारे में कुछ अपडेट तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली काफी सारे लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पे इस ट्रिलॉजी की या फिर इस स्पाइडरमैन की नई डील की अनाउंसमेंट करी जाएगी। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो यार मैंने आपको बता दिया था पहले कि फिर तो ऊपर वाला ही मालिक है कि इसका ट्रेलर या फिर इसकी जो अनाउंसमेंट है स्पाइडरमैन की वो कब यहाँ पे होने वाली है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि मार्वल की कोई भी नई सीरीज या फिर नई मूवी की प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट नहीं होने वाली है, जितने भी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं उन्हीं में से आपको कुछ ना कुछ अपडेट्स, कुछ टीजर्स, कुछ ट्रेलर्स, कुछ नई चीजें, नए स्कूप्स यहाँ पे केविन फाइगी की तरफ से आपको दिखने वाले हैं। और हाँ, जेम्स गन इस पैनल में भी प्रेजेंट नहीं होने वाला है, यानी कि जब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी अपना यहाँ पे पैनल प्रेजेंट करेगी वो वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे और उनके बिना ही वो पैनल जो है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का वो उनको ट्रेलर लॉन्च करना होगा। सो गाइज, इन अपडेट्स के बारे में आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो, कितना ज़्यादा आप यहाँ पे इस कॉमिक कॉन इवेंट के लिए एक्साइटेड हो, नई मार्वल का वीडियो, मतलब यार कंटेंट ही कंटेंट होने वाला है। तो स्टे ट्यून टू द चैनल और मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपके साथ किसी नए ब्रेकडाउन या फिर टीजर ट्रेलर के रिव्यू रिएक्शन में। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। टिल टेक केयर एंड बी मार्वेलस।